जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शबली जी, रब एक, जय साईं जी। 786 SA ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेक रूण सलाम है, निघा स्वागत है। चैनल ते पहली बारी आए हो तो चैनल नू सबसक्राइब करो और बैल आइकन नू जरूर दबाओ ताकि तुहानू आउण वाली वीडियो दी जो अपडेट है वह मिलती रहे बाबा जी, और तुसीं इदां ही साडे नाल जुड़े रहो। साधु संत गुरु रहबर पीर फकीर, ये वो राह दसदे आ जो बंदे नूं कहिंदे कि अध्यात्म वल जाना जाए, जिहड़ा बंदा उहनूं भी सफलता मिले, जिहड़ा दुनियादारी वल जाना जाए उहनूं भी सफलता मिले। अज कुछ ऐसी ही गल है बाबा जी, ऐसी हुई रहमत सांझी करदे आ। एक पिंड सी, एक गांव सी, उत्थे एक फकीर रहा करदे सी। वह कहिंदे फकीर जदों भी नचदे सी ना, मौज हुंदी सी नचदे सी, ते उदों बारिश आया करदी सी। फकीर जदों नचदे सी उदों बारिश आया करदे सी। कुछ कहानियां बाबा जी सेध देण वास्ते बणियां, राहत गाउण वास्ते। ते कहिंदे पिंड दे लोकां ने ना जदों भी बारिश करवानी होंदी या उन्हां नूं जरूरत पैंदी तो उन्होंने उन्हां फकीरां कोल आना ते उन्हां नूं कहना कि महाराज तुहाडे नाच दी लोड़ है कि बारिश पवा दिओ। तो फकीर ऐसे सी, साधु ऐसे सी, वह कहिंदे चल ये मेरे कोल इदां पिंड वाले मैनूं इन्ना प्यार करदे, जदों उन्होंने कहना उन्होंने नाच नचना और कहिंदे बारिश हो जाणी और हमेशा बारिश होनी। कहिंदे कुछ समय बाद ना उत्थे चार लड़के आए शहर तो पिंड आए लड़के घूमण वास्ते, ते जदों उन्हां नूं ना ये गल दा पता लग्या कि किसे साधु फकीर दे नचण दे नाल बारिश हुंदी है, उन्हां नूं यकीन ही नहीं होया। हुण पढ़िया लिखिया बंदा कई वारी अनपढ़ां वाली गल कर जांदा, क्योंकि जे बहुतियां किताबां भी बहुता ज्ञान भी बंदे नूं वह किस पास का हो, हाँ मालक वाले पास में हो गल हो, पर भी जे अंदर हंकार लैके भी गल करा तो वह भी कहें भी वह घमंड च आ जाती है, वो उस वाले पासे नहीं रही गल। इस करके घमंड नहीं होना चाहिए, हंकार नहीं होना चाहिए। हूँ वो जड़े लड़के से जड़े चार दोस्त से जड़े आए वो शहर तो आए थे और कहें कि पढ़े लिखे बहुत सी, पर उन्हां चों पढ़ाई लिखाई का घमंड सी। तो फकीर नूं जो सवाल करदे सी भी इदां किदां हो सकता, इदां हो ही नहीं सकता, पर साध की साध जाने। हुण उन्हां नूं घमंड सी तां उन्हां ने ना पिंड वालिआं नूं चुनौती दित्ती, उन्होंने कहा कि चलो असीं नचांगे तां वी बारिश होगी। उन्होंने कह दिता कि जे असीं नचांगे तां वी बारिश होगी और जे साडे नचण दे नाल नहीं हुई तो उस फकीर दे या उस साध दे नचदे भी नहीं होगी। भी असी नचांगे जे साडे नचण ते बारिश होई होगी, जे नहीं हुई तो फिर उस साधु या उस फकीर दे नचण ते भी नहीं होगी। चलो जी अगले दिन सवेरे सवेरे हुण पिंड वाले ने कहना भी ये किदां दी गल, सवेरे सवेरे अगले दिन पिंड वाले उन्हां मुंडिआं नूं लै के फकीर दी कुली च पहुँच गए, उन्हां दी कुटिया च पहुँच गए। हुण लोग जदों उत्थे पहुँचे अगों साधु मुस्कुरा रहे, वह फकीर मुस्कुरा रहे, संत मुस्कुरा रहे है। तो उन्होंने पूछया हाँ बई किदां आए हो, तो वह पिंड वालिआं ने गल कीती सारी सारी भी इदां इदां इह कहिंदे आ कि किसे भी फकीर दे नचण नाल बारिश नहीं हो सकती और जे फकीर दे नचण नाल बारिश होंदी तां साडे नचण नाल भी होगी और जे साडे नचण नाल नहीं हुई तां फकीर दे नचण नाल भी नहीं होगी और साधु दे नचण नाल भी नहीं होगी। तां कहिंदे कि उहनां मुंडिआं ने हुण कहा भी इदां गल आ, तां साधु फकीर कहिंदे नच लो जिद्दां तुहाडा मर्जी उदां कर लो भी ठीक है। तां उधरों हुण की होया, वह मुंडे सी जिहड़े
उन्होंने बाबा जी नचना शुरू कर दिता, नचना शुरू कर दिता। हुण अद्धा घंटा बीतया, जिहड़ा पहला मुंडा सीगा थक गया, वह बैठ गया। कोई बदल नहीं आया, कोई कुछ नहीं, आसमान साफ है, धुप चढ़ी हुई है। कुछ देर बाद दूजे मुंडे ने भी यही किया, वह भी बैठ गया। और एक घंटा बीतते बीतते वो जो बाकी दोने सीगे लड़के वह भी थक गए, तो थक के बैठ गए। हुण बारिश नहीं हुई, वो मुंडे थक गए। तो उन्होंने मुंडिया ने फिर कहा कि जे साडे नचे नहीं हुई तो फिर इस फकीर के नचना भी कुछ नहीं हुंदा, कि साधु फकीर के नचना की होना। हुण आई सी उस फकीर की वारी, उन्होंने अपने खुदा नूं याद करके कहिंदे नचना शुरू किया। एक घंटा बीतिया, बारिश नहीं हुई, वो फकीर नचते रहे। दो घंटे बीते, बारिश नहीं हुई, साधु नचते रहे, हुण ही रुके ना ही उन्होंने रुकन का नाम लिया। और उन्होंने अपना चल रहा हौली हौली। शाम जिहड़ी सी वो ढलन लगी, जिदा ही वो शाम ढलन लगी, सवेर आ गया, दुपहर आ गया, शाम भी गई। हुण शाम जो ढलनी सी, सूरज छिपना सी, तो कहिंदे बदलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, बदलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। और बड़ी जोर नाल कहिंदे बारिश होने लग पई, मीह आने लग पिया। वो मुंडे जिहड़े सीगे वो हैरान रह गए, परेशान हो गए। उन्होंने उस वेले उन्हां फकीरां तों माफ़ी मंगी और पुछया कि महाराज इदां क्यों होया, जरा गौर फरमाना इस गल ते। वो कहन लगे भी इदां क्यों होया, भी साडे नचण नाल कोई बारिश नहीं हुई और तुहाडे नचण नाल बारिश हो गई, ये विज्ञान किहड़ा है, ये ज्ञान तुहाडे कोल किहड़ा ज्ञान है जिहड़ा विज्ञान नहीं जानदा। तो फकीर मुस्कुराए, उन्होंने जवाब दिता कि जदों मैं नचदा हाँ ना तो दो गल्लां नूं अपने ध्यान च रखदा हाँ। पहली गल ये कि मैं ये सोचदा हाँ कि जे मैं नचूँगा तो बारिश होगी, क्योंकि जदों नचण लगदा हाँ तो मैं उस खुदा अगे एक बेनती करदा हाँ कि मेरी लज तेरे हाथ है, मेरी लज तेरे हाथ आ, और मैनूं यकीन आ, और मैनू यकीन है कि तू मेरी लज रखूँगा, मेरा विश्वास है कि तू मेरी लज रखूँगा। और मैं ये सोचता भी जे मैं नचूँगा तो वह मेरा मालिक जिन्हों मैं मानता वा, जिहड़ा मेरा खुदा वा, वो इन्ने लोगों च मेरी लज रखूगा और मीह पवाऊगा ही पवाऊगा। और दूजी गल ये कि मैं जदों तक नचता ही रहना, मैं उदों तक नहीं हटता जदों तक मीह पै ना जाए, जदों तक मीह पैन आ जाए। पहला ये कि मैं अपनी अपने यार नूं बेनती करके, और उहदे ते इन्ना मैनू यकीन है कि मैनू पता है जे मैं नचिया तो वह मीह पवाएगा ही पवाएगा। और दूजी गल ये है कि मैं उदों तक हटता ही नहीं जद तक मीह पवे ना। हुण ते कहानी कहिंदी की है बाबा जी, कहानी कहिंदी है कि जे किसी भी चीज़ दे विच सफलता चाहीदी है ता ए दो गुण होने जरूरी है। पहली चीज़ ये कि उस चीज़ नू उदों तक करते रहो, उदों तक करते रहो जदों तक तुहानू हासिल ना हो जाए। उस चीज़ दे विच जो तुसीं चाहने, जो तक जो तक तुहाडी मंजिल ना मिल जाए उदों तक रुको ना, चलते रहो। और दूसरी ये कि यकीन रखो कि मैं सफल होवांगा, और मैनू मेरे मालिक ते भरोसा है, वो मेरा खुदा मेरे नाल है, मेरा रब मेरे नाल है, और मैं अपनी मंजिल नूं पावांगा जरूर। उसे फकीर दे वांगू अपना मंजिल दे उत्ते जिद्दां उसने मंजिल प्राप्त की, बारिश पवाउणी सी उदां ही। वह कहिंदे कि पहलां तां अपने मन च याद रखना कि मैनू उस ते विश्वास है जिहदे नाल मेरी लगी है, और पूरा यकीन है कि जे मैं कोशिश करांगा तो वह रहमत भी जरूर करेगा। कहिंदे ना मेहनत मेरी रहमत तेरी,
कि जे मैं कोशिश करांगा तो मैं सफल भी जरूर होवां क्योंकि वह मेरे नाल है और जिहदे नाल रब होवे सफलता मिलेगी मिलेगी बाबा जी। और दूसरी कि उदों तक ना हटा मैं उस राह तो जब तक अपनी उस मंजिल नूं मैं पा ना लवां बाबा जी। सो उम्मीद है तुहानूं गल चंगी लगी होगी और जे कोई गल सुनाउंदिआं गलती हो गई होवे तां माफ़ी का हकदार अपनी दुआवां च याद रखियो। जय साईं जी, जय बाबा मुराद शाह।